हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी टिफिन स्नैक। ये टिफिन स्नैक इसीलिए है क्योंकि ये सैंडविच बच्चे अक्सर टिफिन में स्कूल टाइम में ना बहुत लेकर जाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि गर्मा गर्म ही खाएं, क्योंकि ये ठंडा भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं, बना के रख सकते हैं, जब मन करे आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का आलू चीज़ी सैंडविच। तो ये कैसे बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा लिया है ऑलिव ऑयल, अब इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। और थोड़ी सी राई से एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है और टेस्ट बहुत इन्हांस होता है जिसमें राई का तड़का लग जाए। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। थोड़ी सी सौंफ, ये जो मीठी वाली सौंफ होती है ना, ये वही है। थोड़ा सा अदरक, इसे मैंने फाइनली चॉप करके डाला है, आप ग्रेट करके डाल लीजिए, प्यूरी डाल लीजिए। करी पत्ता, ओहो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना जैसे करी पत्ता कुक होता है। और अब यहाँ पे आलू जिन्हें मैंने बॉईल करा और ठंडा करने के बाद इस तरह से ग्रेट कर लिया है, क्योंकि हमें अपने सैंडविच में आलू के चंक्स नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल मैश करा हुआ आलू चाहिए। तो ग्रेट करना एक बेस्ट ऑप्शन है ताकि इसमें कोई एक ना पार्ट, सॉलिड पार्ट नहीं रहता है। अब इन्हें भी हम इस तरह से कुक करेंगे, साथ में थोड़े मसाले, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इस मसाले का। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, एक चटपटा सैंडविच बनके तैयार होगा हमारा ये। अब इन्हें अच्छे से एक मिक्स कर लेते हैं ताकि सब मसाले कुक हो जाएं और आलू में एकदम से रच जाएं। अब थोड़ा सा डाल दूँ यहाँ पे मैं जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, आप हरा धनिया है हरा धनिया डाल लीजिए, लेकिन मुझे इसमें कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। चलिए, अब तैयार हो गया है हमारा सारा सामान। एक तरफ है मसालेदार चटपटे आलू जो एकदम से ठंडे हो चुके हैं, और ये है प्रोसेस चीज़ जिसे हम पिज़्ज़ा चीज़ भी कहते हैं। इसे मिलाकर एक बनेगा मज़ेदार सैंडविच के बच्चे आपसे रोज़ डिमांड करने वाले हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ब्राउन ब्रेड, आपके पास जो हो आप वो लीजिए। अब इसके एक तरफ लगा रहे हैं ये आलू का मसाला, ये इतना टेस्टी मसाला है ना कि इसे आप वैसे ही खा लो, बहुत टेस्टी लगता है, और जब सैंडविच बनेगा ना इससे बहुत मज़ेदार। सारे बेस पे मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया आलू मसाला, इस तरह दबा दबा के करेंगे तो एक अच्छा सैंडविच बनता है। और अब उसके ऊपर एक लेयर हमारे इस प्रोसेस्ड चीज़ की। ये चीज़ी आलू सैंडविच जब बन के तैयार होता है ना, सबको बहुत पसंद आता है। आलू के सैंडविच हम नॉर्मल बनाते रहते हैं घर में, लेकिन आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। चीज़ आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको चीज़ी करना है। अब इसे दूसरी तरफ से हम लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इस तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपस में। तो चलिए अब दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ना इसके बेस पे पहले मैं प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ, पहले वाले सैंडविच पे मैंने आलू मसाला डाला था, अब यहाँ मैं चीज़ डाल रही हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले थोड़ा सा डाला, अब आलू का मसाला, ताकि हमारे किसी भी तरफ से चीज़ का फ्लेवर कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए, वैसे तो जब हम इसे में हम कुक करेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगा और पूरे सैंडविच में एक मज़ेदार फ्लेवर देगा। देखिए, मसाला आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा कम ज़्यादा अच्छी फिलिंग कीजिए, तभी मज़ा है। अब आलू मसाला मैंने स्प्रेड करा, अब इसके ऊपर एक और लेयर हमारे प्रोसेस चीज़ की। देखिए, मेरे को तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, जब बनके तैयार होता है ना कोई नहीं छोड़ता, फटाफट ये ख़त्म हो जाता है। लीजिए, अब इसे भी हमने लॉक कर दिया है। इसी तरह हम बाकी सारे सैंडविचेस हम तैयार कर लेंगे ताकि जब हम इसे कुक करें तो झटपट हो जाए। लीजिए, सारे ब्रेड स्लाइसेस का मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए अब रोस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे गैस में बनाने जा रही हूँ, मम्मी पहले ऐसे ही करती होती थी ना, अभी आजकल टोस्टर में हम सैंडविच मेकर आ गए हैं, लेकिन आज मैं इसी में करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा चार पीसेस वाला है, किसी के पास दो वाला होता है, एक वाला होता है ना, जो हो आपके पास। अब इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट इस तरह से आप थोड़ा ग्रीस करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा एक रोस्ट हो जाता है सैंडविच।
लीजिए, ब्रेड हमने रख दी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इसे ग्रीस कर लेते हैं ताकि ऊपर से भी एक अच्छा सा कलर आए और एकदम से कड़क सैंडविच बने, क्योंकि मेरे को घर में ना कड़क सैंडविच सबको बहुत पसंद है। अब ये लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे आप इसका उलट पलट साइड चेंज करते हुए आप इसे तब तक कुक कीजिए जितना कड़क आप मसालेदार इसको खाना चाहते हैं। ये देखिए, मुझे तो ऐसा ही पसंद है। आप दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से रोस्ट हुआ है। अब इसको बना लिया है, अब दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। क्या बात है जी। लीजिए देखिए, बड़ी आसानी से गैस पर तो तैयार करा हमने ये सैंडविच। और अब मैं आपको देखिए खोल के दिखा रही हूँ, जो हमने चीज़ डाला है ना, अब वो देखिए क्या चीज़ बन के तैयार हुई है। ओहो माई गॉड, इतना चीज़ी, इतना बढ़िया खुशबू फ्लेवर। ये भाई आपको बिल्कुल पता तब चलेगा जब आप इसे खुद बनाएंगे। देखिए कितना सिंपल है, आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, अपने टिफ़िन में लेके जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों को कहीं कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, जब दिल करे ये सैंडविच बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए ये मज़ेदार आलू चीज़ी सैंडविच। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके बच्चों को स्पेशली ये सैंडविच कैसा लगा। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।